किया है, और इसी तरह इंशाल्लाह अगर बलूचिस्तान के एथलीट्स को सपोर्ट किया जाएगा, इंशाल्लाह हम और भी जाके इंशाल्लाह बड़े बड़े टाइटल्स पाकिस्तान के नाम तो मुस्तकबिल में क्या कितने पर उम्मीद है, क्या कहेंगे, कौन सी नई जो है फाइट जीतने के लिए जा रहे हैं, हमारे मुल्क का नाम किस तरह से रोशन करेंगे, अपडेट करेंगे? इंशाल्लाह अभी एंड ऑफ दिसंबर और मैं भी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी इंशाल्लाह दोबारा मैं जा रहा हूँ यूके लिवरपूल में, मेरा कैंप होता है तो कैंप ज्वाइन करूँगा। उसके बाद इंशाल्लाह मेरी या IBO और या WBF का जो है WBO का फाइट इंशाल्लाह वर्ल्ड टाइटल कन्फर्म है, और खुशी यही है कि मैं वो वर्ल्ड टाइटल बलूचिस्तान में ला रहा हूँ। और DHA क्वेटा से हमारी बात हुई है और मैं उनका ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इंशाल्लाह DHA क्वेटा ने हमें कहा है कि हम बड़ा सा इंटरनेशनल इवेंट करेंगे यहाँ पे, तो इंशाल्लाह आई होप कि मैं वो वर्ल्ड टाइटल बलूचिस्तान क्वेटा लेके आऊँ। पहले भी आप वर्ल्ड टाइटल जीत चुके जी हैं, जी इनामात के ऐलानात भी किए गए आपके लिए सूबे हुकूमत की जानिब से, उसके हवाले से हमारे इलम के मुताबिक जो है आपको वो जो इनामात ऐलान किए थे वो नहीं मिले, इस हवाले से बताएं। और इस दफ़ा हुकूमत की क्या आप देख रहे हैं कि आपके इस दफ़ा कैसे उनका जो है रुझान मिला? देखिए वो तो पुरानी बात है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हुकूमत है ख़ासकर बलूचिस्तान और पाकिस्तान की, जैसे आप लोगों को पता है कि अरशद नदीम ने जब ओलंपिक में गोल्ड लिया तो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली, उसके बाद जितने भी एथलीट्स थे उनको बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर हुआ इस गवर्नमेंट में, और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है बहुत ज़्यादा जो खिलाड़ियों को सपोर्ट किया, तो इनसे बड़ी पॉजिटिव माशाल्लाह हमें जो है मैसेजेस है, तो इंशाल्लाह आई होप कि ये भी हमें इसी तरह सपोर्ट करेंगे। वसीम साहब ये बताएं अभी आप कौन से टाइटल जीत के आ रहे हो, फ्यूचर प्लान क्या है? अभी मैं जो है वर्ल्ड रैंकिंग की फ़ाइट थी मेरी, वैसे वर्ल्ड टाइटल थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वीज़ा थोड़ा सा इशू था उसके वजह से फिर वर्ल्ड टाइटल नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो रैंकिंग फ़ाइट थी जो जिसको कहते हैं फाइनल एलिमिनेटर, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीता और अब जो है वर्ल्ड टाइटल के लिए बहुत जल्द जो है फाइट करूंगा। मैडम कुछ बताएं आप इस हवाले से कि हमारे जो नौजवान है ये सुबह देखिए दूसरा हमारा बेटा है बलूचिस्तान से जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और आलमी टाइटल पाकिस्तान बलूचिस्तान। तो सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगी कि ये वो बलूच बेटे हैं, दिस इज़ द अदर साइड ऑफ बलूचिस्तान के टैलेंट है, बलूचिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ तमाम यूथ बलूचिस्तान को के कंट्रीब्यूट करें अपने सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए। नो डाउट कि बलूचिस्तान की यूथ में बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बिंग मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि यूथ बलूचिस्तान को हम सपोर्ट करें, हर वो मुमकिन ताउन उनके साथ करें जो हमसे हो सकता है, और CM बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी के अहकामात पर चलते हुए कि यूथ बलूचिस्तान को हमने स्ट्रेंथन करना है, आगे लाना है, उनके लिए वो तमाम मौके उनको देने हैं जिनकी ज़रूरत है। और एंड पे मैं ये कहना चाहूँगी और मुबारकबाद देना चाहूँगी वसीम भाई को, और ये हमारे लिए फ़ख्र है बलूचिस्तान के लिए, बलूच कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह बलूचिस्तान से इस तरह के बहुत सारे बेटे हमारे बलूचिस्तान पाकिस्तान का नाम जी जी साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले तो मैं वसीम भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो बलूचिस्तान के लिए माल्टा से टाइटल लेकर आए हैं, और मैं ये कहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बल्कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को भी कि इस जवान को जो कि पहले भी टाइटल ला चुका है और अब भी जो है ना ये इस कोशिश में है कि वर्ल्ड टाइटल लाए, और मुझे उम्मीद भी है कि वर्ल्ड टाइटल इंशाल्लाह ले आएंगे, और इनको सपोर्ट देना चाहिए। अब मुझे इसकी पोजिशन का पता है कि जिस कंडीशन में ये वहाँ गए हैं, जिस तरीके से वो गए, लेकिन इसको कोई जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला है। तो अब हम CM साहब के पीछे जा रहे हैं, उससे भी रिक्वेस्ट करें कि इस जवान को भी आप सपोर्ट करें, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान सपोर्ट करें और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह ये वर्ल्ड चैम्पियन जब बनेंगे तो फिर पूरी दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान में भी ऐसे टैलेंटेड लोग हैं और बलूचिस्तान में भी ऐसे लोग लड़के मौजूद हैं जो कि रिसेंटली एक टाइटल दूसरा हमारे प्लेयर लेकर आए हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ
आप सब साफी हजरात के कि उन्होंने थैंक यू वेरी मच जी। बेसिकली ये देखें, सेल्फ बेसिस पे वसीम ने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है, तो एटलीस्ट जो है जो यूथ कर सकती है इनको अप्रिशिएट कर सकती है। अभी जो सिर्फ इनका टिकट है जिस पे ये आए हैं, तो 13 लाख रुपए का इन्होंने अपने सेल्फ फाइनेंस पे ये टिकट परचेज किया है, और नाम ये रोशन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का कर रहे हैं। तो हमारी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट जो है जो क्वेटा की आवाम है या बलूचिस्तान की आवाम, इनको एक मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं कि ऐसे हमारे जवानों को हमें और ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारी रिक्वेस्ट ये है कि इस तरह के और ज़्यादा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएँ, ताकि इस तरह के हम और ज़्यादा टैलेंट प्रोड्यूस कर सकें। तो CM साहब का ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि वो इस तरह यूथ को एक्नॉलेज कर रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी फर्दर भी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस तरह के टैलेंट को, ये वसीम का जो है ये 13th विन है, ये पहली विन नहीं है, ये पिछले 13 दफ़ा जो है पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इज़्ज़त दिला चुके हैं, और ख़ासकर हमारे बलूचिस्तान को। तो हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इनको प्रमोट किया जाए और इनको सपोर्ट किया जाए। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you.